द सेम पीपल पॉइंटिंग फिंगर्स इज ऑल्सो दे आर ओनली मेकिंग दीज नेपोटिस्टिक आज ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ आज ना आप जा रहे हो ना फिल्म देखने तो मत जाओ। जय श्री राम दोस्तों, आपने अभी करीना कपूर खान की वीडियो देखी। इन्होंने कहा था कि जिसको हमारी मूवी नहीं देखनी है मत देखो, तो इसी वजह से कोई भी इनकी मूवी नहीं देख रहा है। जैसा कि आपको पता है कि एक मूवी आने वाली है लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, फुल्ली बॉयकॉट कर रहे हैं लोग, बॉयकॉट बॉलीवुड और बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। भाई ट्रेंड कर रहा था वो बिल्कुल, और मतलब हर कोई उसका बहिष्कार कर रहा है मूवी का, कोई नहीं देखना चाहता है, फुल्ली फ्लॉप होने वाली है वो मूवी। जिस तरह से लोग सोच रहे हैं, जिस तरह से लोग आगे बढ़ रहे हैं उस मूवी को देख रहे हैं, मतलब कि कोई भी देखने नहीं जाने वाला है, हर कोई बॉयकॉट कर रहा है। इसी वजह से आमिर खान और उनकी पूरी टीम का बॉलीवुड की सिट्टी पिट्टी गुल हो चुकी है। आमिर खान कह रहे हैं कि प्लीज़ हमारी मूवी देखो देखो, लेकिन नहीं देखे क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है अपनी पीके मूवी में। आपको पता है जैसा कि बॉलीवुड आए दिन ऐसी ऐसी मूवियों को बनाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, हिंदू समाज का अपमान किया जाता है, हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें लाई जाती हैं। जैसा कि आपने देखा कि पीके मूवी में भोले शंकर, जो हमारे भोले बाबा हैं जिन्हें हम सब कुछ मानते हैं, उनका मजाक उड़ाया, टॉयलेट में सीन दिखाए। और आपको पता है कि बॉलीवुड की जब ये पीके मूवी आई थी उसमें भगवान की फ़ोटो लगाकर लापता लिखा हुआ था, सिर्फ हमारे भगवान की ही फ़ोटो थी और किसी भी धर्म का कुछ भी नहीं था, सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट लेके वो मूवी बनाई गई थी। इससे हिंदू समाज पूरी तरह जाग उठा है और इस मूवी को बॉयकॉट कर रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। और एक और न्यूज़ निकल के आ रही थी कि उनकी फैमिली, जो उनकी एक्स वाइफ थी, वो कह रही थी हम यहाँ पर इंडिया में सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, तो उसी को उन्होंने बताया था, तो इसी वजह से लोग और नाराज़ हैं। वह अभी तुर्की गए, इंडिया के खिलाफ हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। ये फ़ोटो में आपने देखे होंगे, ये आसपास दो खड़े हुए हैं लोग, इनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, इनसे मिले। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में रहने के बावजूद ये वहाँ पर जाके उन लोगों से मिले जो हमारे देश के खिलाफ साजिश रचते हैं, आए दिन हमारे देश के खिलाफ ऐसी बातें करते हैं जिससे हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं, चाहे वो नुपुर शर्मा हो या कोई भी केस हो। तो इन लोगों के चक्कर में इस वजह से लोग इन्हें बहिष्कार कर रहे हैं और इनकी मूवी देख रहे नहीं हैं, और बॉलीवुड को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। इनकी आए दिन कोई ना कोई मूवी फ्लॉप होती जा रही है, चाहे वो कोई सी भी मूवी हो। इसीलिए आज पूरा देश, पूरा समाज इनकी मूवी को बॉयकॉट कर रहा है और कोई भी देखने नहीं जाने वाला है। अब देखते हैं ये कहाँ तक चलता है, क्या होता है। 11 अगस्त को इनकी मूवी आने वाली है, लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया है, और देखते हैं ये मुहिम कहां तक चलती है और लोग क्या करेंगे। सारी खबर हम देते रहेंगे। हमारी खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। जय श्री राम।